बड़वानी एजे के पुलिस ने आज दो आरोपियों आरिफ हुसैन और सोनू खोटे को हिरासत में लिया है। पुलिस के अनुसार ये दोनों आरोपी पुराने वाहनों की खरीदी बिक्री का काम करते हैं। SDOP रूपरेखा यादव ने बताया कि उन्होंने बलिराम और अनिल को 2 वर्ष पुरानी तूफान और बुलेरो बेची थी, जिसके एवज में कुछ नकद के साथ अपनी बाकी पैसा किस्तों में लेना तय किया गया था, लेकिन इन दोनों ने वाहन वापस ले लिया और उनसे मारपीट कर ज्यादा से ज्यादा शब्दों का प्रयोग कर गाली गलौज की, जिसमें शिकायत फरियादी द्वारा AJK में की गई, जिस पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल कार्यवाही जारी है। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। इसमें दो आरोपी हैं, आसिफ हुसैन और सोनू खोटे हैं। ये लोग पुरानी गाड़ियों की खरीदी बिक्री का काम करते हैं और इनके द्वारा हमारे जो फरियादी हैं बलीराम और अनिल को 2 गाड़ी बेची गई, जिसके एवज में इन्होंने उनसे कुछ नगद रुपए लिए और बाद में कुछ किश्त भी देना तय हुआ था, पर बाद में इन्होंने वो गाड़ियां भी वापस ले ली, उनके पैसे भी नहीं लौटाए और उनके साथ मारपीट की और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें अपमानित किया। तो प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और प्रकरण विवेचना में आरोपी हिरासत में है, गिरफ्तार कर लिए गए। अनिल अनिल कहाँ रहते हैं? बीजापुरी। क्या लेना है? मेरे गाड़ी के हिसाब लेना है। थाने पे आए हो, रिपोर्ट कर दिया। आसिफ पठान से गाड़ी, आसिफ पठान ने आसिफ हुसैन गुलाम ने गाड़ी ले लिया था मेरी अटैचमेंट कराने के लिए, तो उसने गाड़ी दूसरों को बेच दिया ऐसा लगा, तो मैं आया था। फिर उसने फ़ोन लगा के बुलाया था मेरे को कि आ जाओ करके, तो सेगांव हनुमान मंदिर के पास बुलाया था। मैं और बलीराम आया था, बलीराम की भी उसने गाड़ी खींच लाया था ज़बरदस्ती में, तो बलीराम और मैं आया था। तो वहाँ आसिफ और सोनू खटे दो जाके वहाँ खड़े थे मंदिर के थोड़ा आगे, वहाँ हमको हाथ मार के रोक लिया और बोलने लगे क्यों आए, तो हमने बोले कि गाड़ी के लिए आए, तो कौन सी गाड़ी कैसी गाड़ी करके हम दोनों को मारने लगे। फिर पीछे से गुड़िया साहब आया, उसने हमको बचाया, वो कहीं नहाने जा रहा था नदी। फिर वो दोनों आ गए और हमको माँ बहन की गाली मारने लग गया वो आसिफ, और उसके बाद गाड़ी और पैसे के कारण इधर आए, तो उसी गाड़ी के नीचे कुचल के मार डालूंगा ऐसा करके साले आदिवासी लोग करके गंदी गंदी गाली नंगी नंगी मारने लग गया और चले गया। रिपोर्ट लिखवाई थी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।